Good morning, students. So, what we'll do today in this class? Today, in this class, we'll start at chapter number 7th. Okay? इस क्लास में हम लोग अपना जो चैप्टर नंबर 7 जो है वो स्टार्ट करेंगे. एंड दैट चैप्टर नंबर 7th इज लिटिल रेड राइडिंग हुड. एक छोटी सी लिटिल रेड कलर की जो हुड होती है. हुड क्या होती है? विंटर सीजन्स में पहनने के लिए ओके एक वुलन क्लोथ होता है. ठीक है, जिससे जो कि मतलब कैप से अटैच्ड होता है. ओके कुछ इस टाइप से कैप से अटैच्ड होता है. ओनली फेस उसमें से निकल सकता है एंड हैंड्स एंड अप टू हेयर वो फुल कवर्ड होती है. वो क्या होती है? हुड होती है. ओके हुडी भी बोलते हैं, हुड भी होता है. ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर. देखते हैं चैप्टर में हमें क्या बताया हुआ है. Once upon a time, एक समय की बात है, there lived in a certain village a little country girl. एक विलेज में एक छोटी सी मतलब एक गर्ल. country girl मतलब जो इस कंट्री की नेटिव है. ओके एक गर्ल है वो हमारी एक विलेज में वो रहती है. ओके द प्रीटीएस्ट क्रिएशन हु वॉज एवर सीन. और ये जो गर्ल थी सी वॉज द क्रिएशन जो कि आज तक ऐसा मतलब पहले नहीं देखा गया था. मतलब बहुत ज्यादा उसकी मतलब ब्यूटी के बारे में ये बताया हुआ है. हर मदर वॉज एक्सक्लेविट्री फॉन्ड ऑफ हर. और उसकी जो मदर थी वो भी उसकी फॉन्ड थी. ओके एंड हर ग्रैंड मदर डॉटेड ऑन हर स्टिल मोर. और उसकी जो ग्रैंड मदर थी वो भी मतलब जैसे मतलब वो जो गर्ल थी वो सबको अच्छी लगती थी. वो उनकी मदर को भी अच्छी लगती, वो उनकी ग्रैंड मदर को भी अच्छी लगती. ओके जो सी वॉज सो ब्यूटिफुल. दिस गुड वुमन हैड अ लिटिल रेड राइडिंग हुड. और ये जो छोटी सी जो वुमेन थी ओके जो छोटी सी जो वुमेन थी इसके पास क्या था? वुमेन हैड अ लिटिल रेड राइडिंग हुड. उसके पास एक रेड कलर का हुड था. ओके मेड फॉर हर, जो कि ओनली उसी के लिए बनाया गया था. ओके इट शटर्ड द गर्ल्स सो एग्जैक्टली. उसने उस गर्ल को मतलब पूरा एकदम से ढका हुआ था. वेल दैट एवरीबॉडी कॉल्ड हर द लिटिल रेड राइडिंग हुड. और इसलिए सब लोग उसे क्या बोलते थे? द लिटिल रेड कॉल्ड हर लिटिल रेड राइडिंग हुड. इसलिए सब लोग उसे लिटिल रेड राइडिंग हुड कहते थे. ओके वन डे हर मदर, एक दिन उसकी मम्मा हैविंग मेड सम केक्स. उसकी जो मम्मा थी उन्होंने कुछ केक्स बनाई. ओके सेड टू हर, और उसे कहा, गो माई डियर एंड सी हाउ योर ग्रैंड मदर इज डूइंग. तो वो अपनी मतलब डॉटर से कहती है कि जाओ बेटा और जाके देख के आओ कि आपकी ग्रैंड मदर क्या कर रही है. फॉर आई हियर सी हैज बीन वेरी इल. मैंने तो ये सुना है कि वो बहुत ज्यादा बीमार हो चुकी है. ओके टेक हर ए केक, और तुम उनके लिए एक केक लेकर जाओ. एंड दिस लिटिल पॉट ऑफ बटर, और ये एक छोटा सा जो बोट बटर का जो पॉट है वो भी तुम उनके लिए लेके जाओ. आई थिंक ये लोग सेपरेट रहते थे. ओके सो जो लिटिल गर्ल जो थी उसको उनकी मम्मा कहती है कि तुम अपनी जो ग्रैंड मदर है उनके पास जाके आओ. आई थिंक मैंने सुना है कि वो बहुत ज़्यादा बीमार है, तो तुम उनके लिए केक लेकर जाओ एंड ये जो बटर पॉट है तुम वो उनके लिए लेकर जाओ. लिटिल रेड राइडिंग हुड सेट आउट इमीडिएटली. तो जो लिटिल रेड राइडिंग हुड जो गर्ल थी वो इमीडिएटली टू हर ग्रैंड मदर. वो इमीडिएटली निकल जाती है घर से अपनी ग्रैंड मदर के पास जाने के लिए. हु लिव्ड इन अनदर विलेज, जो कि दूसरे गांव में रहती थी. ओके एस ही वॉज गोइंग थ्रू द वुड्स. जब वो जो गर्ल थी ओके वो जंगल साइड से जा रही थी, मतलब वो एरिया जिसमें कि बहुत सारे मतलब ट्रीज वगैरह होती हैं. ओके सो वो उस एरिया से वो जा रही थी. सी मीट विद अ वुल्फ, वो एक वुल्फ से मिलती हैं. ओके हु हैड अ वेरी ग्रेट माइंड टू ईट हर अप, जिसके पास एक बहुत ही ज़्यादा ग्रेट माइंड था उसे
खाने के लिए, ओके, वो जो वुल्फ थी वो उसे खाना चाहती थी, बट ही डेयर्ड नॉट, पर उसने उसे नहीं खाया, बिकॉज ऑफ सम वुड कटर्स, क्योंकि वहाँ पर कुछ वुड कटर्स वर्किंग नियर बाय इन द फॉरेस्ट, वो पास वाले ही जंगल में वुड कटर जो थे वो वर्क कर रहे थे, इसलिए उन्होंने उसे, जो वुल्फ थी उसने उस रेड राइडिंग हुड को नहीं खाया। ही आस्क्ड हर वेयर शी वॉज गोइंग, वो उन्हें पूछता है कि तुम कहाँ जा रही हो। द पुअर चाइल्ड, तो जो छोटी सी जो बच्ची होती है वो हु डिड नॉट नो दैट इट वॉज डेंजर, जिसे ये नहीं पता था कि ये डेंजरस हो सकता है, दैट इट वॉज डेंजरस, कि ये खतरनाक हो सकता है, टू स्टे एंड टॉक टू अ वुल्फ, उस एक वुल्फ के साथ खड़े होकर बात करना उसके लिए खतरनाक हो सकता है। सेड टू हिम, उसने उससे कहा, आई एम गोइंग टू सी माई ग्रैंड मदर, मैं अपनी ग्रैंड मदर को देखने के लिए जा रही हूँ, एंड कैरिंग हर अ केक, उनके लिए मैं एक केक लेकर जा रही हूँ, एंड अ लिटिल पॉट ऑफ बटर फॉर फ्रॉम माई मदर, और मैं अपनी मदर के परमिशन से उनके लिए एक जो बटर पॉट है वो लेकर जा रही हूँ, एंड एक केक लेकर जा रही हूँ। Does she live far off? क्या वो आपसे बहुत ज़्यादा दूर रहती हैं? Ask the wolf. Wolf पूछता है कि क्या आपसे वो बहुत ज़्यादा दूर रहती हैं? Oh, I say. मैंने कहा, हाँ, answered Little Red Riding Hood. तो जो बच्ची होती है छोटी, वो कहती है कि हाँ, वो बहुत ज़्यादा दूर रहती हैं। It is beyond that meal you see there. तुम देख सकते हो कि ये लगभग एक मील जितना हो सकता है, एट द फर्स्ट हाउस इन द विलेज, उस आप अगर देख सकते हो तो उस विलेज का जो फर्स्ट हाउस है, ओके, वहां पर वो रहती है। वेल, सेड द वुल्फ, वुल्फ कहता है कि ठीक है, एंड आई विल गो एंड सी हर टू, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ और मैं भी उन्हें देखता हूँ। आई विल गो दिस वे एंड यू गो दैट, मैं इस तरफ से जाता हूँ, तुम दूसरी तरफ से आना, एंड वी शैल सी हु विल बी द देयर फर्स्ट, और हम देखेंगे कि वहां पर फर्स्ट कौन आता है। ओके, सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। इफ एनी स्टूडेंट इज हैविंग एनी प्रॉब्लम रिलेटेड टू दिस चैप्टर और एनी वर्ड प्रॉब्लम, सो यू कैन आस्क टू मी, ओके, एंड यू हैव टू रीड दिस चैप्टर अप टू हियर ट्वाइस, ओके, सो बाय।